हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड की टेक टॉक से वीडियो, यानी कि टेक फॉर वर्ल्ड टॉक से वीडियो नंबर 1। तो देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल की टेक्निकल न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अपना पहला अपडेट आता है वोडाफोन की तरफ से, यानी कि वोडाफोन ने कर दिया है अपना न्यू प्लान लॉन्च, यानी कि 398 रुपीज़ का प्लान। इस प्लान की वैलिडिटी है 69 डेज, और इस प्लान के अंदर आपको मिल जाएगा 1.4 GB डेटा। पर ये अभी प्लान सिर्फ गुजरात, दिल्ली और बॉम्बे के अंदर है, और ये दिल्ली के अंदर इस प्लान की प्राइस है 396। इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 1.4 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे, 100 रोमिंग। तो जो दूसरा अपडेट निकल के आता है वो आता है अपना स्वामी की तरफ से, यानी कि स्वामी ने कर दी है अपनी MI नंबर 1 फैन सेल। इसके अकॉर्डिंग आपको कई MI प्रोडक्ट्स पे विशेष छूट मिलेगी, यानी कि MI A2, Redmi Note 5 Pro और भी कई MI प्रोडक्ट्स पे आपको स्पेशल डिस्काउंट। तो अपना अगला अपडेट आता है सैमसंग के बारे में, यानी कि सैमसंग कर रही है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज पे काम। और इसी के अंदर एक जानकारी आई है कि सैमसंग गैलेक्सी M20 आने वाला है फ्यूचर में, जो जिसकी बैटरी होगी 5000 mAh, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S9 के अंदर 4000 mAh बैटरी थी। तो देखते हैं कि M20 के अंदर ऐसा कोई अपडेट मिलता है या नहीं। तो जो अपना अगला अपडेट आता है वो आता है नोविया रेड मैजिक स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि चीन में इस साल लॉन्च किए गए नोविया रेड मैजिक के गेमिंग फोन स्मार्टफोन को भारत में उतार दिया गया है। स्मार्टफोन की गेमिंग के दीवानों के लिए बनाया गया है। ये फोन में गेमबू सॉफ्टवेयर पर फीचर होने की बात की गई है, यूजर को गेमिंग अनुभव के बेहतर बनाता है। रेड मैजिक हैंडसेट 18:9 डिस्प्ले और 8 GB रैम के साथ आता है भारत मार्केट में। रेड मैजिक स्मार्टफोन 20 दिसंबर से अमेजोन इंडिया पर मिलेगा, और इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 है, और इसकी प्राइस लगभग 29,999 रखी गई। दोस्तों, जो अपना अगला अपडेट आता है वो आता है ओप्पो की तरफ से, यानी कि ओप्पो ने अपने न्यू फोन से, यानी कि ओप्पो A83 2018, ओप्पो F9 और ओप्पो F9 Pro के अंदर कीमत में कटौती कर दी गई है, याद करा दी गई है। इस महीने की शुरुआत ओप्पो A3 और ओप्पो A5 की कीमत में कटौती हुई थी। कंपनी ने हाल ही में ओप्पो A3 और ओप्पो F9 और ओप्पो F9 Pro की कीमत 2000 रुपीज़ कम कर दी गई है। मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर 2000 स्पेशल ऑफर्स के तहत कीमत में करना। अगला अपडेट आता है वो आता है कूलपैड की तरफ से, यानी कि कूलपैड ने अपना कूलपैड Note 8 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। बाद में कंपनी ने 20 दिसंबर को आयोजित एक इवेंट में मेगा सीरीज के अंतर्गत 3 नई स्मार्ट फोन से पर्दा उठाने वाली है। याद करा दी कि कूलपैड ने इस साल अक्टूबर में कूलपैड Note 8 लॉन्च कर दिया था। कूलपैड पहले ही इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि गुरुवार को भारत में लॉन्च होने वाले तीनों स्मार्टफोन को मेगा सीरीज का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए।